अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिफ्ज़ा खान आर्टिस्ट। मेरे फियांसे की बर्थडे आ रही है, सो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ क्रिएटिव बनाने के बारे में सोच रही थी। रियलिस्टिक पेंसिल स्केचिंग, ऑयल पेंटिंग तो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि स्पेशल पर्सन के लिए कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल होना चाहिए। So I decided to make a portrait on vector style with poster color. Thank you.
वेक्टर आर्ट स्टाइल बेसिकली एक डिजिटल आर्ट फॉर्म है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कलर ड्रा, जिसपे डिज़ाइनर्स जो हैं डिजिटल आर्ट फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने इस पर मैनुअल एक्सपेरिमेंट किया। ये आर्ट फॉर्म मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ, तो जब मैं ऑयल पेंट्स के साथ पेंट करती हूँ तो मुझे हज़ारों टोन्स के साथ प्ले करना पड़ता है। इसमें मुश्किल से मुझे 5 टोन पे काम करना पड़ा है।
जितना मुश्किल ये लग रहा है उतना है नहीं। मैंने क्योंकि फ़ोटोशॉप पे इसको एडिट किया है, आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवा लें अपनी इमेज का, और इसके जो टोन्स हैं उनको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद अपनी कलर पैलेट के हिसाब से पेंट कर लें। मैंने टोन्स को डिटेल में जो है डिवाइड किया है, आप शेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और अपनी पसंद की कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं। सो इसमें मैंने वॉर्म कलर पैलेट चूज़ की है। वॉर्म कलर्स में रेड आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है। ब्लैक कलर को मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है। जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक कलर की ज़रूरत लगी है वहाँ मैंने ब्लैक ही रहने दिया है। डार्क स्किन टोन के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है, मिडल टोन के लिए मैंने लाइट ऑरेंज यूज़ किया है, डार्क और मिडल के जो बीच वाले टोन के लिए मैंने ऑरेंज यूज़ किया है, और ब्राइट कलर के लिए जो होता है जो आपका लाइट टोन है उसके लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है। Thank you.
आप देख सकते हैं कि जो कलर एप्लीकेशन है वो कितनी नीट आ रही है, कलर कितने ब्राइट हैं, कोई डलनेस नहीं है और पेंट में कोई क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं बेस्ट क्वालिटी के कलर यूज़ करती हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बेस्ट क्वालिटी के कलर्स ही यूज़ किया करें। अपना मटेरियल जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी का ही रखा करें, क्योंकि अगर आपका मटेरियल बेस्ट होगा तो आपका काम भी बेस्ट ही होगा। उसमें अगर आपके स्किल्स में कमी भी होगी ना तो भी आपकी जो स्किल्स हैं ना वो छुप जाते हैं सिर्फ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के जो मटेरियल है वो यूज़ किया करें। इससे पहले मैंने कभी वेक्टर स्टाइल में पेंट नहीं किया और पोस्टर कलर के साथ भी मैं इतना यूज्ड टू नहीं थी, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, सारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। बट आहिस्ता आहिस्ता पेंट करते करते मेरा हाथ में फ्लो बन गया और पोर्ट्रेट मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत अमेजिंग तैयार हो गया। अगर आपको भी अपने किसी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक स्केचेस या पेंटिंग्स बनवानी हो तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे डीएम करें।